hello students how are you as you know that your syllabus has been completed it, so it's time for revision work let's start revision from chapter number 10 in english reader the name of the chapter is two medical inventions first we will start word meaning first word is specialized specialized kehte expert ko नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिग्निफिकेंट इसका मीनिंग है इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन इट्स मीनिंग इज एडिशन नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रिंसिपल इट्स मीनिंग इज़ रूल नेक्स्ट वर्ड कंस्ट्रक्टेड इट्स मीनिंग इज बिल्ट नेक्स्ट वर्ड डिज़ाइन इट्स मीनिंग इज मेड Next word analyzing. Its meaning is finding out the causes. Next word is terminally ill. Its meaning is about to die. Next word identify. Its meaning is recognize. Next word convenient. Its meaning is easy. Next word, familiar. Its meaning is none. Next word, concept. Its meaning is theory. Next word, opaque. Its meaning is not transparent. Next word, comprehend. Its meaning is understand. Next word, is startling. Its meaning is surprising. Next word, fluorescent. Its meaning is glowing. Next word, replaced. Its meaning is put something in place of. Next word, exposed. Its meaning is open. Next word, revealed. Its meaning is opened. रिवील भी ओपन होता है एंड एक्सपोज भी ओपन होता है नेक्स्ट वर्ड होता है एक्यूब्ड इट्स मीनिंग इज प्रिपेयर्ड नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन हु डिस्कवर्ड द स्टेथोस्कोप एंड एक्सरे आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेनी लेनियंड रॉन्ग टर्न डिस्कवर्ड द्वेश्चन नंबर टू वि रेनी सी इन द कोर्टयार्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई साड्रन प्लेइंग अ गेम विद अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ वुड उसने क्या देखा था दो बच्चों को खेलते हुए देखा था वुडन लॉन्ग स्ट्रिप से जिससे उसको आइडिया आया था कि उसको स्टेथोस्कोप बनाना चाहिए और वो इंटरनली बीट को सुन सकती है नाउ द क्वेश्चन नंबर थ्री वट हैपन वैन ही पुट हिज़ हैंड बिटवीन द ट्यूब एंड द स्क्रीन जब उसने स्क्रीन और ट्यूब के बीच में अपने हैंड को रखा था तो उसको कैसा लगा था क्या हुआ था उसके ऐसा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वैन ही पुट हिज हैंड बिटवीन द ट्यूब एंड द स्क्रीन द बोन्स एब्जॉर्ब मोर ऑफ रेज दैन द फ्लैश एंड देयर ऑन द फ्लोर एंड स्क्रीन ही सॉ द आउटलाइन ऑफ हिज हैंड विद द बोन्स इन साइड क्लियरली आउट लाइन एज अ डेंसर शेडो जब उसने हाथ अपना ट्यूब और स्क्रीन के बीच में रखा तो एक रेज निकली थी एब्जॉर्ब हुई थी बोंस के और ट्यूब के बीच में उसको स्क्रीन से आउटलाइन किया गया था मीन्स हैंड से उसको उन वो बोन क्लियरली आउटलाइन थी और एक डेंसर शेडो बन रही थी नाउ क्वेश्चन नंबर फोर विच डिसीज कुड बी डाइग्नोज विद द स्टैथोस्कोप कौन कौन सी डिसीज स्टैथोस्कोप से जानी जा सकती थी एंड द आंसर ब्रांचिस्ट निमोनिया एंड ट्यूबरकलोसिस कुड बी डाइग्नोज विद स्टैथोस्कोप ब्रांचिस निमोनिया ट्यूबरक्लोसिस को स्टैथोस्कोप से पहचाना जा सकता था मतलब आइडेंटिफाई किया जा सकता था नाउ दो क्वेश्चन नंबर फाइव हु इन्वेंटेड द फ्लोरोस्कोप आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एडिसन इन्वेंटेड द फ्लोरोस्कोप एडिसन ने इन्वेंट किया था फ्लोरोस्कोप को पहचानना है उस को आपको कि कही थी और क्यों कही थी और किसको बोली थी आई कैन हेयर आई कैन हेयर मैं सुन सकता हूँ मैं सुन सकता हूँ इसके लिए क्वेश्चन है हु सेट दीज वर्ड्स एंड टू होम ये किसने कहा था और किसको कहा था आंसर अ बॉय सेट दीज वर्ड्स टू अनादर बॉय एक बॉय ने दूसरे बॉय से ये लाइन बोली थी नाउ क्वेश्चन नंबर टू डिड ही उसने क्या सुना था आंसर ही हेयर साउंड क्लियरली उसने वो साउंड जो वो बोल रहा था बच्चा या लड़का वो वो क्लियरली सुन सकता था नाउ दो क्वेश्चन नंबर थ्री हु हेयर दिज वर्ड्स एंड वट डिड ही थिंक किसने सुने थे ये वर्ड्स और क्या सोचा था उसके बारे में लेनिएक हेयर दिज वर्ड्स एंड ही वॉज सरप्राइज्ड टू डिस्कवर द थ्रो द ट्यूब ही कुड हेयर द हार्ट विथ क्लियरिटी दैन विद हीज ईयरस पेशेंट्स चेस्ट लेनिएक ने ये उसके वर्ड्स सुने और वो सरप्राइज हो गई कि वो भी इस ट्यूब के थ्रू अपने पेशेंट के चेस्ट के इंटरनली सुन सुन सकती है क्लियरली अपने कानों से जब वो अपने कान में लगाएगी उसको तो उसको क्लियरली अपने पेशेंट के चेस्ट का इंटरनली बीट वो सुन सकती है क्लियरली नाउ नंबर टू आई हैव ऑब्जर्व something इंटरेस्टिंग बट आई डिड not नो इफ माई ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट मैंने कुछ इंटरेस्टिंग बनाया है या ऑब्जर्व किया है अब लेकिन मैं नहीं जानता कि मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं ये लाइन है इसके लिए क्वेश्चन वन है हु सेट दिस वर्ड्स एंड टू होम ये शब्द किसने कहे थे और किसको बोले थे आंसर इसके लिए रॉन्ग टर्न सेट दिस वर्ड्स टू हिज फ्रेंड रॉन्ग टर्न ने ये वर्ड बोले थे और अपने फ्रेंड को बोले थे क्वेश्चन नंबर टू वाई वॉज दिस इंटरेस्टिंग तो वो इंटरेस्टिंग कैसे था क्यों था वो इंटरेस्टिंग आंसर दिस वॉज इंटरेस्टिंग बिकॉज वेन ही लेव दैट ही हैड डिस्कवर्ड अ वे ऑफ सींग थ्रू अ पेक मटीरियल्स एज वुड मेटल एंड फ्लैश वो इंटरेस्टिंग इसलिए था कि जब वो उस पर छोड़ा गया था कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाती थी वो चीज जब उस पे फ्लैश डाली जाती थी तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाती थी ट्रांसपेरेंट से मीन्स उसको इंटरनली बॉडी पार्ट्स दिखाई दे जाते थे नाउ द क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट द ऑब्जर्वेशंस करेक्ट जो ऑब्जर्वेशन थी वो करेक्ट थी या नहीं द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस दब्जरवेश करेक्ट ऑब्जर्वेशन करेक्ट थी नाउ फिलिंग द्लें कंस्ट्रक्टेड अ होलो वुडन इसके मिड में आएगा ट्यूब आप फिल करेंगे ट्यूब अबाउट नाइन इंचज नेक्स्ट फिलअप है आपका नाइन लॉन्ग विद एंड डिजाइन टू फिट स्नगली अगेंस्ट द नेक्स्ट वर्ड फिल करना है आपको चेस्ट एंड इन टू द ईयर ही स्पैंड थ्री ईयर्स कितने साल लगाए थे उसने थ्री एनालाइजिंग द साउंड विच रीज हिम एज पेशेंट्स ब्रीथ तो पेशेंट की ब्रीथ को सुनने के लिए उसने क्या बनाया था स्टैथोस्कोप आपका फिलअप है फर्स्ट है ट्यूब सेकेंड नाइन थर्ड चेस्ट फोर्थ आपको फिल करना है थ्री एंड फिफ्थ ब्रीथ तो आपके फर्स्ट लाइन में ये आपको फिलअप कंप्लीट करना है नेक्स्ट पार्ट है ही प्लेस्ड अ बुक एंड शीट्स बिटविन द ट्यूब एंड द स्क्रीन द न्यू रेज इजीली पासड थ्रू दैम द ओनली मेटल्स दैट स्टॉप द रेज वर प्लेटिनम एंड लोड बिकॉज ही न्यू सो लिटिल अबाउट दिस मिस्टीरियस लाइट रोंग गेव इट द नेम एक्स रे तो फर्स्ट आपका है शीट्स फिल करना है आपको सेकेंड आपको फिल करना है प्लेटिनम एंड थर्ड फिल करना है लोड लास्ट में आपको फिल करना है मिस्टीरियस नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज नेम द फॉलोइंग फर्स्ट फाइंडिंग आउट द कोजेज ये होता है एनालाइजिंग नेक्स्ट वर्ड पुट समथिंग इन प्लेस ऑफ इसे कहते हैं रिप्लेस्ड नेक्स्ट अबाउट टू डाई ये होता है टर्मिनली इल नेक्स्ट नॉट ट्रांसपेरेंट ये होता है ओपेक नेक्स्ट मेड ऑफ वुड ये होता है वुडन नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट ब्रैकेट में आपको वर्ब दी गई है उसको सिंपल पास्ट फॉर्म में फिल करना है तो पहली बार जो ब्रैकेट में दी गई है वो है वॉश तो आप फिल करेंगे वॉश्ड कंप्लीट सेंटेंस हुआ शी वॉश्ड द डिशेस डिशीज नेक्स्ट है दे फॉर अ वॉक ब्रैकेट में दिया हुआ है गो तो गो की पास्ट फॉर्म होती है वेंट नेक्स्ट है ही इज टाइम टेक को आपको पास्ट फॉर्म में फिल करना है तो आप फिल करेंगे टुक नेक्स्ट है आई द बेट्स मेक को आपको सेकेंड फॉर्म में फिल करना है मीन्स पास्ट फॉर्म में फिल करना है आप फिल करेंगे मेड नेक्स्ट दे टू कैच द बस आपको पास्ट फॉर्म में फिल करना है आप फिल करेंगे रेन नेक्स्ट शी अप क्विकली तो गेट को आपको फिल करना है पास्ट फॉर्म में तो वो होता है गॉट नेक्स्ट वर्ड है यू द कॉफी तो आप ड्रिंक फिल करेंगे ड्रिंक वर्ड को तो आप इसका पास्ट फॉर्म होता है ड्रैंक नेक्स्ट वर्ड है वी साउंडली तो आप स्लीप को फिल करना आपको पास्ट फॉर्म में तो स्लैप फिल करेंगे नेक्स्ट है ही इज बुक्स ही इज बुक्स आप फॉरगेट फिल करेंगे इसमें फॉरगेट की पास्ट फॉर्म तो वो होती है फॉरगॉट नेक्स्ट है आई द हाउस लीव को फिल करना आपको तो ये होता है लेफ्ट सो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर चैप्टर नेम टू मेडिकल इन्वेंशन तो इसमें दो मेडिकल इन्वेंशन हुए थे कौन कौन से इस चैप्टर में दो मेडिकल इन्वेंशन आपको दिखाए गए हैं कौन कौन से स्टैथोस्कोप एंड एक्सरेज